रखे गयो महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे राख दियो सभी राज्यों को, पूरी दुनिया के 52 अब 52 देशों के, अलग अलग देशों के, देश की बात करने लगे रियासत को पता लिखती हो तो सारा बैठे दिंगे हैप्पी बर्थडे में। आपने अठे का भी दो खास गेड़ा, एक तो प्रताप सिंह और एक गेड़ो आपने गंगा सिंह बीकानेर वाले, याद है कि गंगा सिंह जी एक बे गेड़ा समझ गया थे, बाकी तो दोस्ती अलग ही टाइप की, बांग तो कहना ही किया, बांग तो थाने बीकानेर में किस्सा सुनाऊंगा, आज मैं थाने सर प्रताप को सुनाऊंगा। अब क्या है कि ए गया बटो तो होयो के कि अठू तो जिया तिया चले गया और बैठे रेलगाड़ी में जावा लंदन पहुंचने वास्ते रेलगाड़ी पकड़ी। अब रेलगाड़ी में क्यों हो कि आंगो जी को सामान हो ना वो खो गया, जिका बैग बुक टैची टुची हो प्रताप जी को वो खो गया। अब प्रताप जी के अभी टाइम में एक ब्रजेश होया करती, ब्रजेश अगर नाम सुने वस्त्र ब्रजेश जी की पैंट पहनी हो, अठू तो खुली हो और नीचू यहां बंद सी हो, राजपूतों के ब्याह में कई बार पहने डी हो देखे हो डी था व्हाइट से रंगी पैंट होया करे, कौन कौन देखे डी अब ब्रजेश शेरवानी तो चले ब्रजेश होया करे हम भी टाइप के हो लेकिन थोड़ी अलग हो गए ठीक है चूड़ियां सी हां चूड़ियां पहनी समझ लो बड़ा हो गया। अब देखो योग इनके वो ब्रजेश पहनी हुई थी और जिको सूट पहने वो पहने बाकी तो सारा कोई। अब ये गंगा सिंह जी के पास भागे भागे कहते यार मेरे बर्थडे के दिन महारानी को बर्थडे हुई, अब रात ने आगे टेंशन ये सोचे कि यार अपा कल सूट के पहन के जाऊंगा पार्टी में, जब आदमी तैयार हो गया तो जा भी है कि यार कल के पहन के जाऊंगा, आपने कहा तो ले देंगे एक ब्रजेश है पीसा भी इतना कौन ही आप नया कपड़ा सिला लिया इतना तो ले गई कौन आया आप, अब के करा टेंशन है हमारे बो जी को सूट पहने डो गई। तो इन्होंने क्या किया बठे जी की गर्म चादर मिल गई, देखो आपने होटल को सही यूज आपने वाले ग्रह तो वो होटल की जगह चादर लिया कि उस चादर को काट के उस कपड़े को काट के एकदम बढ़िया कोट बना लिया, अब खुद ही सिल सुन लियो। अब क्या है कि सुबह जब गंगा सिंह जी आया तो वो क्या तू के पहने क्या मैं तो वो बनाई और नीचे ब्रजेश आई कहीं अगर यार एक मेरे भी बना दे, वो रात को 3 घंटा लग गया अच्छा पार्टी में 3-4 घंटा पड़े तू एक और बना दे मैं भी वही पहन देखो सुनो लग गया यार ठीक है भी बड़ा हूं वो फिर ला क्यों आपके कार्यक्रम बड़ा आप उन्हें तैयार करियो के लियो जी। अब पैन पान गए दोनों जना चले, अब पार्टी में किए दोनों ही अलग चमका क्योंकि अलग ही ढंग की पैंट पहन रखी अलग ही ढंग को कोट पहन रखी यही चमके दोनों जना, तो जी की पार्टी में छोड़िए चली हो गए पता नहीं कौन आए खास है। अब सारा का ध्यान भी पे केंद्रित तो हम सुने लागता अगला बढ़िया लगन आ गया, एक तो राजा एक राजा का प्रधानमंत्री और फिर कपड़ा क्योंकि है ना जिका अंग्रेज है तो नॉर्मली आपको कोट पैंट पहन गया तो मैं सारा एक पर नहीं लगा ए मां मैं दो ही अलग आ पूरे मतलब ये बताओ पूरे के अंदर अलग ही नजर आ रहा तो फिर नजर आएंगे आप ही रोशनी पड़ जाएगी वो भी अलग ही है तो है ना कई बार कहते मेरे वाला जट तो अलग है गाना होता है आजकल। तो देख अब की है कि कार्यक्रम आगे सुनो क्यों है, अब की है कि गंगा सिंह जी की एंट्री हुई और गंगा सिंह जी के पीछे 2-3 आदमी खड़े बे हाथा में गिफ्ट गुफ्ट ले रखे चिलकड़ी का कागज वालों ने चिलकड़ी का कागज बोले आपने देसी भाषा में बोलता है रैपर रूपर और राम जने के बोलता अब बोले कि आगे आपने चिलकड़ी का कागज ठीक है। अब क्या है कि वे सर प्रताप मान कुछ वो किए भी मैं तो लेके वो तो केले के ऐसा ये महारानी को जन्मदिन है तो खाली हाथ यहाँ गिफ्ट क्या तू तो 2-3 लेके मेरी बात अलग है लोग तो एक एक लेके आए छोड़ छोड़ मेरी बात अलग है। अब गंगा सिंह जी तो बड़ी बनती था ध्यान विक्टोरिया रानी को सब ज्यादा क्लोज फ्रेंड भी गया ठीक है। अब क्या है कि प्रताप सिंह रात को भी ले जाके बैठ गया बैठे अब पार्टी होगी शुरू महारानी विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया दिख अब दो गंगा सिंह से तो आए होती तो समझ में आप आदमी हो गए तो बन इतना जानता कौन है। अब क्या है कि पार्टी पुर्टी शुरू होगी सारा कार्यक्रम सेट सारा जना बारी बारी गिफ्ट ले लेके आया जी महारानी बैठी है सामने ये पेश करे ये लो जी गिफ्ट ये एक एक करके है ना सारा जना गिफ्ट गुफ्ट दे दिया। अब लास्ट में प्रताप सिंह की बारी है प्रताप सिंह का यार आप तो की ले आया कोई अब प्रताप सिंह आपने जगह खड़े हुए तलवार नहीं पड़ी
बाहर निकाल दिया तलवार में जाके बढ़ो रानी का बॉडी गार्ड सारा जना आगे पीछे हो गए कहने मार मूल ना दे रानी का नो नो टेंशन मत लो आराम से। अब वो आयो और वो बैठियो और अपनी तलवार यहाँ निकाल के और पेश करी महारानी के सामने यहाँ गोडो टेक के बैठ गयो और कह क्यों कि मैं आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया हूं लेकिन मेरी तलवार और मेरा सिर आपके लिए हाजिर है कभी भी जरूरत पड़े मारवाड़ आपके साथ खड़ा रहेगा। रानी बड़ी खुश हुई वास्तव में बहुत बढ़िया इन दूसरे ने बुला के पूछा समझ तो आई को नहीं भी मेरा खुश खुश हुई सागर वाले ने बुला के पूछे के बोले है ट्रांसलेट करके बता फिर मैं बताएगा कि ये बता रहे ओ हो वेरी गुड। अब रानी के भी इंप्रेस ओ है बंदा तो बाकी सारे तो ये चिनकड़ी कागज से असली गिफ्ट तो ले आई है। अब क्या है कि पार्टी थोड़ी देर बाद भोजन वाचन करना था ना पार्टी बाद भोजन भाई कई फुट काटती और सी हाँ गंगा सिंह जी तो हम पता ही है ठीक है। अब क्या कि अब बड़चाल पड़िया अब बैठ गया सारा। अब क्यों है कि जब वो खाना खाया कर रहे थे या पुरानी फिल्म में देखे हो सी एक लंबो सो टेबल लग गया देखिए सारा इन्हें इन्हें बैठा और हेड ऑफ डिपार्टमेंट महारानी बिल्कुल नहीं अब फ्रंट में तो महारानी के इन्हें महारानी के हस्बैंड बैठे हो इनके साइड में और एक कुर्सी लगवाई बीच में मतलब बिन तो साइड में लगती है बीच में लगाई आप निकले इन्हें आपने गंगा सिंह जी बैठे गया तो बिना हटे बिठाए आपके बराबर यहाँ प्रताप सिंह जी आप हो प्रताप सिंह जी मैं थारे बराबर क्या जा थे एक एक बार तो मेरे हस्बैंड ने भी हो आज तो गंगा सिंह जी के मन में भी आई उसी आज तो बड़ी इज्जत देने लग रही है बनिया। अब वो बराबर बिठा के रानी जी ने खानो पूरा अच्छा भोजन भोजन करियो। अब क्या है कि वो इसी कांटा छुरिया क्या भी खाइडो है बिंगो तो वो तो आप भी हिसाब खा खो के मसा सी थोड़ो बहुत और भी ये दांता में कि चिपक गया पता नहीं के खावा है क्या अंग्रेज के। अब क्या है कि इतना में एक बंदो बो के आप बस करके क्या हाँ वो यहाँ इशारों करियो रानी क्या हो। अब एक वो कोई नौकर हो वो लेके आयो यहाँ प्लेट के अंदर पानी से गर्म पानी और सागे नींबू रखे लो तो वो के यार वो समझदार आदमी वही है इन ठा पड़ गया कि मेरे दांता में कि चिपकी है वो लेके आयो और बड़ी आपा कुल्ला करना करेगा आराम और जी ले गए हो गर्म पानी वाली भाट की चक्की भी अंदर नींबू निचोड़ो भी न गोड़ो उंगली हुई गोड़ गया और सारा जी का बैठे मेरे खाने वाली तरह हाथ से लाग गया कि भाई वो हाथ धोने वास्ते कार्यक्रम है और वो पीतो नहीं मिले। अब क्या है कि रानी को बुरा लगा कि भाई मेरे गेस्ट पर हंस रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हें साके बिठायो रानी तुरंत ऑर्डर दियो और ले जाओ वो पानी ले के आया रानी भी पिए नहीं छोड़ियो और पीगी फिर सारा चुप रानी पी गई बीच अब सारा चुप हो गया। तो इस तरह से सर प्रताप की ये यादगार हुई। अब जब रानी से विदा लेने की बात है कि अब हम चले पार्टी बोर्टी बढ़िया होगी एकदम अब देखो और जब देश आजाद हो गया तो बिना के घोषित कर दिया राष्ट्रीय पोषण तो समझ गया आज